वो एक गार्डन हाउस बनवाया और इस कब्र को उसने तोड़वा दिया, इस कब्र को उसने तोड़वा दिया और तोड़वा कर यहाँ पर अपना उसने रूम बनाया। कोई ऐसा सुनने में आता कि यहाँ पे उसने डाइनिंग टेबल लगाया। लोग ऐसा भी बोलते हैं कि यहाँ पर जिन्नातों का साया है और इस वजह से शाम में यहाँ पर लोग नहीं आते हैं, शाम में या रात में यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पे गेट है जो कि बंद कर दिया गया, ये सील कर दिया गया, ये जाना अलाउड नहीं है किसी का ऊपर जाना। ये ऊपर गुंबद की तरफ ये जाता है रास्ता, ये देखें काफी नैरो है ये सीढ़ी, ये पूरा इसमें पानी हुआ करता था और यहाँ पे बोट हुआ करती थी। ये मेटकाफ के टाइम में ये बोट हाउस बनाया गया था, ये आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ दिल्ली के मैरौली इलाके में और ये मैरौली का आर्कोलॉजिकल पार्क है। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मोहम्मद कुली खान का मकबरा। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये मोहम्मद कुली खान का मकबरा है जो कि बादशाह अकबर की जो दूध माँ थी महामंगा, ये उनके बड़े बेटा थे और ये बादशाह अकबर के मिलिट्री कमांडर भी हुआ करते थे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इसे नज़दीक जाकर दिखाऊंगा किस तरह से है ये। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इनके जो छोटे भाई थे आदम खान, उनके मकबरे का भी वीडियो हमने अपने चैनल पे डाला हुआ है, वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको मोहम्मद कुली खान का मकबरा दिखाता हूँ किस तरह से है ये नज़दीक से और इसके बारे में बताता हूँ, तो हमारे साथ बने रहें। तो फ्रेंड्स, ये देखेंगे आप, ये कुली खान के मकबरे की तरफ आने का ये रास्ता है, इधर ही से अभी हम लोग आए थे और अभी मैं आपको ऊपर चलकर दिखाता हूँ किस तरह से है ये मोहम्मद कुली खान का मकबरा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मेंशनड है ये कुली खान स्टोन। तो फ्रेंड्स, अभी ऊपर चलते हैं और आपको चलकर दिखाते हैं किस तरह से है, तो हमारे साथ बने रहें। तो सबसे पहले आपको इस तरह से स्टेयर्स मिलेगा जो काफ़ी ऊँचे ऊँचे इसके स्टेप्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये तीन, एक तरह से तीन फ्लोर में है ये पूरा बना हुआ। ये अभी हम लोग इसके नीचे थे जो, और नीचे से ऊपर आए, ये अभी इसका ये फर्स्ट फ्लोर एक तरह से आप बोल सकते हैं। और यहाँ से भी अभी आपको ऊपर जाना पड़ेगा, ये अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ पे स्टेयर्स है, फिर यहाँ से भी ऊपर जाना होगा अभी हमें। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से बाउंड्री है और अभी इस स्टेयर से भी ऊपर जाएंगे हम लोग, ये आप देख सकते हैं। ये अब हम लोग सेकंड फ्लोर पे इसके आगे इस मकबरे के, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऊपर आते ही इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलेगा। और इधर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे इस मकबरे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशनड है, ये आप देख सकते हैं। और आप देखेंगे फिर से यहाँ पर स्टेयर्स है जो मकबरे की तरफ ले जा रहा है और ये लास्ट है और ये तीसरा फ्लोर है। तो अभी हम लोग इसके थर्ड फ्लोर पे चलते हैं, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये फाइनली हम लोग मकबरे के पास बिल्कुल आ गए और ये इसका तीसरा फ्लोर है, ये आप देख सकते हैं। ऊपर आने के बाद कुछ इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलेगा। अभी हम लोग बिल्कुल वहाँ से आए थे नीचे से और इस तरफ से स्टेयर से ऊपर आए, ये आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ऊपर आते ही आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा, ये आप देखेंगे, ये मकबरे का एंट्रेंस गेट है, इस तरह का एंट्रेंस गेट इसके चारों साइड में है, ये आप देखेंगे इसका किस तरह से कंस्ट्रक्शन है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गया हूँ मोहम्मद कुली खान के मकबरे के बिल्कुल करीब और अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ किस तरह से है ये, और फिर इसके बाद अभी पहले मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा किस तरह से है, उसके बाद फिर अंदर से भी मैं दिखाऊंगा और इसके बारे में बताता हूँ किस तरह से है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, ये इसका एंट्रेंस गेट है, ये आप देखेंगे इसका एंट्रेंस गेट है, इस तरह का गेट इसके चारों साइड में है बना हुआ, ये मेहराब नुमा पूरा डिजाइन का ये इसका गेट है। इसके आप देखेंगे ये मेहराब के बॉर्डर पे जो है कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कुरान शरीफ की आयतें हैं इसके बॉर्डर पे। और कहीं कहीं से ये अब निकल चुका है क्योंकि टाइम के साथ ये काफ़ी पुराना हो चुका है, इसलिए ये निकल भी चुका है इसका। और आप देखेंगे इसके दोनों साइड में सर्कल था, ये सर्कल है जिसपे आप देखेंगे फूल बना हुआ है, यहाँ पर कुछ इसमें मीनाकारी करा गया है और यहाँ पे कलरफुल टाइल्स लगा हुआ था पहले, यहाँ पर जो है कलरफुल टाइल्स लगे हुए थे, ये आप देखेंगे ये ब्लू कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, इस तरह के टाइल वर्क पूरा किया हुआ था इसमें, जो कि आप
टाइम ये लेट काफ़ी पुराना हो चुका है, इस वजह से ये अब निकल चुका है। ये तो पहले जब इसमें पूरा लगा हुआ हुआ करता होगा तो काफ़ी खूबसूरत लगता होगा ये, लेकिन अब ये निकल चुका है। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसके दूसरे साइड भी आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये। अब हम लोग इसके इस साइड आ गए हैं, उधर वाली मैंने दिखाया था आपको मेन एंट्रेंस गेट था, और इसके जब इस साइड आएंगे तो आपको यहाँ पर मेहराब शेप का डिज़ाइन दिखेगा आपको। ये आप देखेंगे यहाँ पर भी, आप देखेंगे ये मेहराब का ये बॉर्डर है, इस पर भी कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं कुरान शरीफ की आयतें इसके भी इस मेहराब के बॉर्डर पे है। और यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, ये आप देखेंगे दो सर्कल है, उसमें भी आप देखेंगे उसके बीच में कलमा लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये दो सर्कल है दोनों मेहराब के साइड में, उस पर कलमा लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इस तरह से इसके दूसरे साइड। ये आप देखेंगे, ये देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है। ये देखेंगे ये जब मकबरा बना था ये उस टाइम का ये पार्ट है। ये आप देखेंगे ये भी एक एंट्रेंस गेट है, और ये वाला पार्ट जो आप देखेंगे ये बाद में बनाया गया था। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन, इस पार्ट का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अलग है। ये आप देखेंगे ये जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है ये बाद में इसके साथ ये पुराना है कंस्ट्रक्शन साइड में, ये इस मकबरे का जब ये मकबरा बना था ये 17वीं शताब्दी में, और ये जो बना है ये 19वीं शताब्दी का बनाया हुआ है। काफ के द्वारा बनाया गया था, जो उस टाइम के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, वो ब्रिटिश रूल में जब ब्रिटिश का रूल था उस टाइम में वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, तो उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन किया था। ये आप देखेंगे इसमें लखोरी ब्रिक्स लगे हुए हैं, ये लखोरी ईंटे हैं। ये आप देखेंगे इसका साइज छोटा होता है, तो ये लखोरी ईंटे से पूरा ये बनाया गया है। यहाँ पर उन्होंने एक्सटेंशन किया था, इस मकबरे के आगे कुछ रूम्स बनवाए थे। ये आप देख सकते हैं ये पूरा इस साइड में उन्होंने पूरा यहाँ पे रूम बनवाया था। एक तो ये मकबरा था और उसके साथ साथ उन्होंने अटैच कर दिया था कुछ रूम्स यहाँ पर। वो ये जो मकबरा है अपने रहने के लिए इसे कन्वर्ट कर दिया था उसने, इसे जो है एक गार्डन हाउस के रूप में इसे उसने बनवाया था। इस मकबरे को इस मकबरे में अटैच करके अलग से कई रूम्स इन्होंने बनवाया था और इसे गार्डन हाउस बनवाया था अपने खुद के रहने के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये अंदर से भी किस तरह से है अभी। तो ये इसका फ्रेंड्स हिस्ट्री है, ये अलग से ये बाद में बनाया गया, ये मकबरा बादशाह अकबर ने बनवाया था, और ये जो अलग से ये वाला जो पार्ट है ये मेटकाफ ने बनवाया था। 1830 में वो हिंदुस्तान आया था और उसके बाद उसने ये इसको बनवाया था। तो फ्रेंड्स अभी अंदर चलते हैं और अंदर भी चलकर मैं दिखाता हूँ आपको, और ये देखेंगे इसका सेम वैसे ही कंस्ट्रक्शन है जैसे इसका दूसरे साइड का जो एंट्रेंस गेट है। या देखेंगे यहाँ पर भी कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं, या देख सकते हैं, और ऊपर गोल सर्कल है इस मेहराब के दोनों साइड में, उस पर भी आप देखेंगे वहाँ पे भी कलमा लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से है। तो ये हम लोग मकबरे के अंदर इंटर कर रहे हैं। ये आप देखेंगे ये इसका काफ़ी चौड़ा ये पिलर है, ये बहुत ही यूनिक है। ये आप देखेंगे इतना चौड़ा पिलर जो है ये आपको बहुत रेयरली ना के बराबर आपको देखने को मिलेगा। इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी डिफरेंट है, ये बहुत चौड़ा इसका ये पिलर बनाया गया है। और ये देखेंगे आप सामने का अंदर आने के बाद किस तरह का व्यू, ये देख सकते हैं आप, ये अंदर का व्यू आप देख सकते हैं इस तरह से है इसके चारों साइड में। ये आप देखेंगे ब्लू कलर का इसमें पूरा मीनाकारी करा गया है, ये पूरा मेहराब डिज़ाइन का इसमें आप देखेंगे ये पूरा बनाया गया है, और उसमें ब्लू कलर से इसमें पूरा मीनाकारी करा गया है, इसमें पूरा इसमें डिज़ाइन बनाया गया है। ये आप देखेंगे ये ऊपर भी मेहराब शेप में पूरा डिज़ाइन है इस गुंबद के चारों साइड आप देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये आप देखेंगे ये इसका जो गुंबद है ये पूरा ऑक्टैगनल शेप में है। ये आप देखेंगे ये ऑक्टैगनल शेप में है, इस तरह का जो ऑक्टैगनल शेप में जो गुंबद हुआ करता था ये मोस्टली सैयद डायनेस्टी में या लोधी डायनेस्टी में हुआ करता था, लेकिन इनके मकबरे में भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये ऑक्टैगनल शेप में है, ये बादशाह अकबर ने इसे बनवाया है। और ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, और आप हमको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स ये यहाँ पर इस जगह पे मोहम्मद कुली खान का कब्र हुआ करता था इस जगह पे, लेकिन यहाँ पर आपको कब्र दिखेगा नहीं। वो इसलिए क्योंकि जब मेटकाफ यहाँ पर आया था, जब उसने जब अंग्रेज का हुकूमत जब रूल हुआ था हिंदुस्तान के ऊपर, तो उसने
ये मेटकाप जो है, ये पूरा मकबरा जो है और इसके आसपास की जो ज़मीनें हैं वो उसने मोहम्मद कुली खान के जो भी उस टाइम के क्लोज रिलेटिव थे या जो केयर टेकर थे इसके, तो उनसे उसने खरीद लिया था इसे। क्योंकि उस टाइम में मुग़ल का बहुत बुरा वक्त था, वो आखिरी दौर था मुग़ल का, जब बहादुर शाह जफर का टाइम था, तो बिल्कुल आखिरी वक्त में उस टाइम में जो भी कुली खान के जो भी रिश्तेदार थे, जो उसके केयर टेकर थे, उनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब था। इस वजह से वो उसके इस ऑफ़र को मान गए और उन्होंने ये मकबरा उसके हाथ बेच दिया। बस कुछ पैसों में ही उनके रिश्तेदारों ने इसे बेच दिया मेटकाफ के हाथ। और फिर मेटकाफ ने क्या करा, इसे अपना, ये जगह उसे बहुत पसंद थी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हरियाली है। ये आप देखेंगे इस एरिया में मैरोली के काफ़ी हरियाली है, काफ़ी ग्रीनरी है और बगल में ही कुतुब मीनार भी है। बहुत सारे यहाँ पे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत पुराने टाइम के, हज़ार साल पुराने भी आपको यहाँ पे दिखेंगे मॉन्यूमेंट्स। तो उसने क्या करा, यहाँ पर जो है वो एक गार्डन हाउस बनवाया और इस कब्र को उसने तोड़वा दिया, इस कब्र को उसने तोड़वा दिया और तोड़वा कर यहाँ पर अपना उसने रूम बनाया। कोई ऐसा सुनने में आता कि यहाँ पे उसने डाइनिंग टेबल लगाया या कुछ और यहाँ पर उसने प्लेस किया इस जगह पे, लेकिन और इसे एज ए रूम उसने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। और अभी जैसे मैंने आपको बाहर दिखाया, वहाँ पे भी उसने कंस्ट्रक्शन किया था, अलग से एक अलग से रूम बनवाया था। तो फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री था इसका, ये कुली खान के इस मकबरे का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको कब दिखेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, ये अभी मैंने आपको अंदर का व्यू दिखाया था, ये आप देख सकते हैं ये पूरा इसमें व्यू पूरा वर्क किया हुआ है चारों साइड, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है दिखने में। लेकिन अब टाइम काफ़ी हो चुका है इसे और उस तरह का मेंटेनेंस है नहीं, तो अब ये धीरे धीरे धुंधला पड़ता जा रहा है इसे, इसके जो भी ये डिज़ाइन से निकलते जा रहे हैं। तो अभी देख सकते हैं इसका करंट कंडीशन किस तरह से है ये। और फ्रेंड्स, इधर आप आएंगे यहाँ पर, ये आप देखेंगे यहाँ पर एक इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पे गेट है जो कि बंद कर दिया गया, ये सील कर दिया गया, ये जाना अलाउड नहीं है किसी का ऊपर जाना। ये ऊपर गुंबद की तरफ ये जाता है रास्ता, तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये काफी ऊंचे ऊंचे इसके स्टेप्स हैं और ये काफी नैरो है ये सीढ़ी, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ऊपर जाना अब अलाउड नहीं है। तो अभी मैंने आपको दिखाया अंदर से कुली खान का मकबरा, और अभी हम लोग इसके बाहर चलते हैं और आपको बाहर से दिखाते हैं और दूसरे साइड में हम लोग चलते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बाहर आ चुके हैं इस मकबरे से और ये आप देखेंगे इसके साइड में आपको इस तरह का भी आपको नीचे बना हुआ दिखेगा आपको, ये मेहराब शेप का। ये भी पहले रूम हुआ करता था नीचे, इसके नीचे भी रूम्स हैं कई, और ये छत हुआ करता था जो छत अब टूट चुका है। तो अभी मैं आपको इसके चारों साइड नीचे का व्यू दिखा रहा हूँ किस तरह से है। ये आप देखेंगे ये पूरा मेहराब डिज़ाइन पूरा ये बना हुआ था, ये पूरा गैलरी था यहाँ पर, और यहाँ पर स्टेयर्स हैं ऊपर आने के लिए, ये आप देख सकते हैं। और ये देखेंगे आप इसके चारों साइड का व्यू, ये पूरा एक गार्डन के बीचों बीच है ये मकबरा, ये आप देख सकते हैं, ये चारों साइड इसके पूरा गार्डन है। और ये आप देख सकते हैं सामने कुतुब मीनार है इसके, ये बिल्कुल सामने है कुतुब मीनार, और इधर है ये मकबरा, ये आप देख सकते हैं, ये आप देखेंगे ये यहाँ से स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए। और अभी मैं आपको चारों साइड इसके दिखा देता हूँ नीचे का किस तरह का है कंस्ट्रक्शन, किस तरह का व्यू है, ये आप देखेंगे। यहाँ पर भी पहले रूम हुआ करते थे लेकिन इसे बंद कर दिया गया ये बाद में, ये सारे रूम्स थे पहले, ये चारों साइड इसके ग्रीनरी है काफ़ी, ये आप देखेंगे ये पूरा गार्डन के बीचों बीच है, इसीलिए इसे गार्डन हाउस भी बोला जाता है। ये मेटकाफ ने इसे बनवाया था एज ए गार्डन हाउस, ये आप देखेंगे यहाँ पे भी ये पूरा मेहराब डिज़ाइन पूरा बना हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे ये रूम है यहाँ पे भी, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये काफ़ी हॉन्टेड लग रहा है, ये अंधेरा है काफ़ी फ्रेंड्स। ये इसके बेसमेंट में इस तरह से रूम है, ये आप देख सकते हैं, ये मोहम्मद कुली खान के मकबरे के नीचे इस तरह से ये बना हुआ है, और अंदर जाना अलाउ नहीं है, इसे बंद कर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं इसे बंद कर दिया गया है, कोई अंदर जाता नहीं है। और काफ़ी अंधेरा है और ये काफ़ी, ये देखेंगे दूर तक है इसके अंदर पूरा रास्ता, हो सकता है अंदर और भी ये दूसरे साइड निकलता हो ये रास्ता, ये अंदर अंडरग्राउंड रूम है।
ये आप देख सकते हैं, काफ़ी अंधेरा है ये और इसके अंदर चमगादड़ हैं, चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है अंदर से और ये बहुत हॉन्टेड लग रहा है फ्रेंड्स। ये काफ़ी खौफनाक सा यहाँ पे सीन है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे शाम के वक्त यहाँ पे लोग नहीं आते हैं इसके करीब, ये काफ़ी हॉन्टेड है, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। लोग ऐसा भी बोलते हैं कि यहाँ पर जिन्नातों का साया है और इस वजह से शाम में यहाँ पर लोग नहीं आते हैं, शाम में या रात में यहाँ पे आना अलाउ नहीं है। ये काफ़ी हॉन्टेड है, यहाँ पे कई ऐसे हादसे हो चुके हैं जिससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जिन्नातों का बसेरा है इस जगह पे, तो लोग यहाँ पे आने से अवॉइड करते हैं शाम के वक्त या रात के वक्त, दिन में ही लोग यहाँ पर आते हैं। और इतना अंदर इस तरह से जहाँ पर अभी मैं आया हूँ यहाँ पर सब लोग आते नहीं हैं इस तरह से, तो लोग बाहर ही बाहर देख करके मकबरे को चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैं अभी अंदर आकर के आपको दिखाया इसका व्यू किस तरह से, तब से बाहर चलता हूँ फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर जाने के लिए इधर से स्टेयर्स है और इधर से भी स्टेयर्स है ऊपर जाने के लिए, ये आप देख सकते हैं। और ये पूरा मेहराब डिज़ाइन में, ये पूरा इसका ये एंट्रेंस गेट है कई बने हुए यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। और सामने ये देखेंगे आप ये खूबसूरत नज़ारा, ये गार्डन, ये ग्रीनरी, ये बहुत खूबसूरत है बाहर से, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये अभी मैंने आपको दिखाया था कुली खान का मकबरा, ये इसके बाहर का व्यू ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देखेंगे, ये ऊपर मोहम्मद कुली खान का ये मकबरा है और आपको मैं दिखाना चाहूँगा अभी यहाँ पर एक बोट हाउस भी है जिसे मेटकाफ बोट हाउस कहा जाता है, अभी मैं आपको उधर चलकर दिखाता हूँ किस तरह से है। तो आप देखेंगे ये इस मकबरे के बिल्कुल सामने आपको ये दिखेगा आपको किस तरह से, ये मेटकाफ बोट हाउस का ये एंट्रेंस गेट है, ये आप देख सकते हैं ये इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से है, ये आप लोग उसके अंदर आ रहे हैं, ये आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह का व्यू है। ये मेटकाफ बोट हाउस के पास जाने का ये एंट्रेंस गेट है, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है इसका, ये आप देखेंगे इधर से अभी हम लोग आए, ये आप देख सकते हैं। और अभी नज़दीक चलते हैं इसके, ये आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये आप देखेंगे ये पूरा एरिया, यहाँ पर कभी पूरा पानी हुआ करता था, ये पूरा एक तालाब हुआ करता था और यहाँ तक बोट यहाँ पर आती थी, यहाँ पे बोट लगी होती थी इस जगह पे और यहाँ पे ये स्टेयर्स हैं और इसमें पानी यहाँ तक आया करता था पूरा इस जगह तक, ये पूरा इसमें पानी हुआ करता था और यहाँ पे बोट हुआ करती थी। ये मेटकाफ के टाइम में ये बोट हाउस बनाया गया था, ये आप देख सकते हैं, ये इसके चारों साइड का व्यू, ये काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर और उसके साथ ये यहाँ पर एक तालाब हुआ करता था जिसे मेटकाफ बोट हाउस कहा जाता है। और ये आप देख सकते हैं इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन है और ये स्टेयर्स हैं और यहाँ पे पूरा पानी हुआ करता था, तो बहुत खूबसूरत व्यू रहा होगा उस टाइम में जब इसमें पानी हुआ करता होगा और जब यहाँ पे बोटें चला करती थी, बहुत खूबसूरत लगता होगा उस टाइम में। तो ये फ्रेंड्स ये इस जो कुली खान का जो मकबरा है ये बिल्कुल उसी से बिल्कुल लगा हुआ है, उसके बिल्कुल सामने है ये मेटकाफ बोट हाउस, ये आप देख सकते हैं। अब ये बिल्कुल सूख चुका है, इसमें पानी है नहीं, आप देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे जंगल, पेड़, झाड़ी बस ये है, तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और अभी मैंने आपको दिखाया मोहम्मद कुली खान का मकबरा, ये अभी मैंने आपको दिखाया बाहर से अंदर से और इसके बारे में हमने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं एक नए व्लॉग में नई जगह, तब तक अपना खास ख्याल रखें, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।